हे अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छा हूँ और आज आ गया हूँ नई वीडियो के साथ। और कैसे हो आप लोग? तो आज वो होने वाला है कुछ अलग, तो भाभी कुछ नया ट्राई करने वाली है आप लोग के लिए। बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि भाभी कुछ बनाती नहीं है, भाभी कुछ बनाती नहीं है। तो भाभी बनाएगी अभी नया मेकअप ट्यूटोरियल, ठीक है? ये वाला अच्छा है, ये नहीं है, वो नकली नहीं है, ये असली है। तो भाभी कुछ बोलना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ये तो देखो मैं कैसी झिपड़न बन के बैठी हूँ। एक्चुअली आज मैं बताऊँगी, जैसे कि आप लोग मेरे से पूछते हैं ना, मैं क्या लगाती हूँ, क्या करती हूँ, मेरा मेकअप इतना मतलब लाइट कैसे लगता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, जो मेरा अपना खुद का मेकअप है आज आप लोगों को मैं वो बताऊँगी कि मैं कैसा मेकअप करती हूँ, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करूँगी, पहला अपने बालों को हल्का स्ट्रेट करूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा स्ट्रेट कर लूँगी अपने बालों को। उसके बाद फिर आपको मेकअप ट्यूटोरियल बताऊँगी मेरा वाला, ठीक है? मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये मैंने पार्ट्स बनाए हैं। अब ऐसा करके मैं धीरे धीरे मैं अपना आयन खुद ही कर लेती हूँ घर में। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसीजर को। फेस मत जला लेना। तो फाइनली मेरी आइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो फाइनली मेकअप स्टार्ट करेंगे भी आशिफा का। बाल तो हो गया, देखो कितने प्यारे किए मैंने, दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना? ये खुद ही हाँ। करती है, बाहर कहीं नहीं करवाती? मैं बाहर कहीं से नहीं करवाती हूँ। बाहर अगर मैं किया है, मैंने एक दो बार करवाया। बाहर अगर कहीं पार्लर में करने जाओ तो 200 रुपए लेते ऐसे, 200 से 150 रुपए। 200-150 रुपया इनका बचा देती हूँ। बताओ, मैं घर में ही मतलब कर लेती हूँ खुद से, ज्यादा से तो 10-15 मिनट लगता है बस, और बहुत अच्छे से करने जाओ तो 20 मिनट लगेगा। और मैंने तो फटाफट किया है, हाँ मुँह में घुसा दो, मुँह में इनका ऐसी है, मुँह में घुसेड़ दे। मैं प्रॉपर अभी आजकल सोनी पा रही हूँ, हल्का हल्का देखो डार्क सर्कल दिख रहा है, और ये है मेरा मेकअप बॉक्स, इसी में मैं सब रखती। बहुत लोगों की शिकायत है कि आप लोगों की आवाज़ थोड़ी कम है, तो मैंने आज एयरफोन लगाया हूँ। अब एयरफोन लगा दिया हूँ पर चार्जिंग नहीं कर पाऊंगा, अगर चार्जिंग खत्म हो गई तो फिर मुझे चार्जर निकालना पड़ेगा। और मेरा मुंह थोड़ा चाइनीज जैसा है, शफीक भाई को क्या चाइना के माल बहुत अच्छे लगते थे, तो इसीलिए उन्होंने मुझे पसंद किया। या आई लाइक इट, मतलब उनकी ख्वाहिश पूरी हो सके। जिसकी आईब्रो ना हो तो कभी आईब्रो बनाने की डिमांड ही ना करे लड़की। तो देख लो, ये मेरी रियलिटी है, मेरी आईब्रो ऐसी थे जैसी भी, मुझे तो बड़ी पसंद है, मुझे मिल गई है, टेंशन मत लो। मेरे हिस्से की इनके पास है ना, तो इसीलिए मैं ऐसी में खुश रहती हूँ। वैसे मुझे, मैं बनवाती नहीं हूँ आईब्रोज, नहीं बनवाती हूँ, देख सकते हो आप लोग, क्योंकि मुझे बनाना पसंद नहीं है असल में आईब्रोज। मैं क्या है ना, पेंसिल से उसको कोई भी शेप दे सकती हूँ, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मुझे बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। ओ ये खुल गया मेरा मेकअप का किट, मेकअप किट सही बोला। ये मेरी लिपस्टिक से देखो, सब मैंने दिखाई दी, ये तो दिखाई दी उस दिन, तो कोई नहीं, चलिए अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा चालू ही चाहिए क्या? मुझे लगा आपने बंद कर दिया। स्टार्ट करें, चलो। मैं लगाती हूँ बीबी क्रीम, मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ मेरे फेस पे, मैं यूज करती हूँ फेयर एंड लवली बीबी क्रीम। गुलाबरी का मॉइस्चराइजर क्रीम है और इसको मैं थोड़ा सी लेके फेयर एंड लवली में मिक्स करती हूँ। लगा रही हूँ लूज पाउडर, उस दिन मैंने मस्ती किया था कि डब्बा तो है, इसके अंदर लूज पाउडर नहीं है,
तो उसमें पाउडर मिला लो, बट है ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अभी मैं इस पर सेट करूँगी। देखो कहीं से कुछ कम ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा नहीं लग रहा। मैं नॉर्मली ऐसे ही मेकअप करती हूँ। लूज पाउडर लगा लिया, अब हम बनाएंगे हमारी आईब्रोज। शफीक भाई जैसी नहीं बनाएंगे क्योंकि उनकी जैसी नहीं चाहिए मुझे। मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी भाई। बट मेरी आईब्रोज बहुत लोगों को पसंद है, बोलते हैं मुझे भी पसंद। काश मेरी आईब्रोज ऐसी होती, काश मेरी आईब्रोज चेहरे पे नहीं सूट होगी ना, वो बात अलग है। उस दिन लगाई थी तो देखे नहीं थे क्या, जिनकी औरत लग रही थी ना एकदम। जिनकी तो औरत हो, उनकी औरत थोड़ी हो। इनकी हूँ, किनकी हूँ, तुम्हारी हूँ ना, पर जिनकी लग रही थी। तो मेरी आईब्रोज तो बन चुकी है और ये मेरे पास है, इसको टिंट बोलते हैं, चिक टिंट है ये, ठीक है। तो ये मेरे पास है, मैं ये यूज़ करती हूँ, इससे लगाती हूँ अपने गालों पे, ब्लशर में इससे बनाती हूँ। ये मुझे गिफ्ट आया था, ये अलग अलग कलर में है तो मैं डार्क कलर लगा रही हूँ, थोड़ा ऑरेंज ब्राउन टाइप है। अब मैं लगाने वाली हूँ आईलाइनर ब्लू कलर का, मुझे बहुत पसंद है ये वाला। परफेक्ट लगा लिया है। ये मेरे पास वाइट कलर की आई पेंसिल है, जो इनर आई लगाते हैं, इससे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी आज। थोड़ी सी सिंपल सी थी, मैं कभी कभार ऐसा मेकअप करके बाहर जाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। तो जो अप साइड है ना, यहाँ लगाऊंगी मैं। नहीं, इन्हें कुछ नहीं नजर आता मेरा, थोड़ा इधर साइड में भी लगाइएगा। और फिर उसके बाद हम इस पे लगाएंगे जो मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया था ना, मेरे बहुत सारे ये जो मैंने लेकर आए थे आईलाइनर्स ग्लिटर वाले, ये लगाऊंगी इस पे। मेरा वाइट वाला कहाँ गया यार, देखो मेरे पास ब्राउन भी है। ये मिला मेरा फेवरेट, तो इसीलिए मैंने ये वाइट कलर किया है, ताकि इस पे मैं थोड़ा ये इससे डिज़ाइन मार सकूँ, बना सकूँ। एक मिनट, thank you।
झटपट वाला मेकअप है यार, ऐसे ही होगा ना। मेरी नाक टेढ़ी होने की वजह से जो समझ लीजिए लाइनर जो होता है ना वो टेढ़ा ही आता है। क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? मेरे को फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग, मेरे को फीलिंग नहीं है। इनका कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता, गलत बात है यार। बहुत हमने हाइलाइटर भी लगा लिया, सब कर लिया, फाइनली हमारा मेकअप तैयार ही है। इनके फ़ोन का प्रॉब्लम है जो चेहरा मेरा ऐसा दिख रहा है। मेकअप तो बहुत अच्छा हुआ है, देखो ना जलेला जैसा दिख रहा है फेस। क्या किया आपने? अब मैं इस पर लगाऊंगी लिपस्टिक। ऐसे तो मैं लाइट कलर लगाती हूँ, बट आज थोड़ा पर्पल पिंक टाइप में कुछ डार्क शेड लगाने मन हो रहा है, पर एकदम डार्क भी नहीं। मेरी काली लिपस्टिक, पिंकी पिंकी पॉन्की। सबसे पहले अपने लिप्स पे तो आप पहले मॉइस्चराइजर लगाएं। आज मैंने जल्दी जल्दी में भूल गई, नहीं तो मैं शुरुआत में लगा के छोड़ देती हूँ। लिपस्टिक लगाने में इजी भी होता है और आपके होंठ थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसी तो मस्ती मेरी चलती रहती है यार। ये डार्क कलर है, ये कलर आपके शफीक भाई को बिल्कुल नहीं पसंद है। जब ये कलर निकालती है बोलते है कौन सा कलर लगाने जा रही हो, ये क्या निकाल दिया तुमने, लगाना नहीं ये कलर, लगाना नहीं। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ऐसे मुंह बना के बोलते हैं। अरे आओ आओ यार, बीच में आओ, इनको नींद आ रही है यार। मेरे को रेड अच्छा लगता है, रेड मैं इसलिए लगाती नहीं, लाल बत्ती बहुत खतरनाक होती है, मैंने सुना है ऐसा, इसीलिए लाल कलर में बहुत एकदम नाक के बराबर लगाती हूँ। इनको बहुत पसंद है ना काला कलर, पीला कलर। पिंकी मेकअप लगाया ना, इसलिए पिंक लगा रही, लिपस्टिक डार्क थोड़ी। एक है ना, हमेशा डार्क ऐसा डार्क कलर की लिपस्टिक पास रखो, क्योंकि अगर आपके पास लाइट लिपस्टिक के शेड्स भी है ना तो आप उसको डार्क कर सकते हो मिक्स करके अपने लिप पर ही। बहुत ईजी है यार, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। आप अपने पास कम चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। आप हाइलाइटर से भी अपने आई शेड भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बस ये है कि उस टाइमिंग पे थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। मैं तो कुछ भी कर लेती हूँ, मैं तो कभी कभार लिपस्टिक से अपने ब्लशर बना लेती हूँ, क्या क्या नहीं कर लेती हूँ, बहुत काम आता है। कैसे मुंह बना रहे हो मेरा, मुंह देख के बताओ। उस दिन की तरह बड़े होंठ नहीं बनाए मैंने। इम्पॉर्टेंट चीज़ आज मेरा एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ, जिससे मेरी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग चलती है, मेरे लिप पे टिकी रहती है, जल्दी निकलती नहीं है, मैं कुछ भी खा लूँ। बहुत से लोग होते हैं परेशान होते हैं, ये मेरी मैट लिपस्टिक तो ज़रूर है बट ये वैसी नहीं है जो सूख जाती है ना, हम लगाते हैं लिक्विड वाली लगाते हैं, लिक्विड मैट लगाते हैं, उसके बाद है ना होंठ बहुत ऐसे चिमड़े से बहुत अजीब से लगते हैं आपके लिप्स जो हैं, तो वो अच्छी नहीं होती और वो निकलती ना तो टुकड़े जैसी होती है, तो बहुत अजीब लगता है, तो वो ना लगाएं। आप ऐसी लिपस्टिक अगर अपने पास रखेंगे ना चल जाएगा, ऐसी रखें। ये भी है, आप इसी को ड्राई बना सकते हो, तो ये सब आप यूज़ कीजिए।
और मेरा सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करना। पूरी दुनिया को दिखा रहा है, बोल रहे शेयर मत करना। जो भी देख रहा है किसी और को नहीं बताना कि मैं क्या लगाती हूँ, ठीक है? लिपस्टिक पे तो ये है मेरा पॉन्ड्स पाउडर, ये मैं लूंगी थोड़ा सी। कुछ मत करो, चाहो तो आप ब्रश से, चाहो तो किसी कपड़े से, या चाहो तो अपनी फिंगर से ऐसा लो, हल्का टैप करके। अब बताओ, अभी कलर का शेड कैसा था? अभी देखो कैसा हो गया, बताओ। जानू तुम्हारा हाथ दो, जल्दी दो, ये देखो कैसा दे रहे हैं, देखो यार, देखो आया नहीं आया, नहीं आया, इसको बोलते हैं टैलेंट, ठीक है? तो ये है मेरा मेकअप, ये मैं हो गई थी यार, ये मैंने खोले अपने बाल, मैंने रबड़ लगा लिया था करने के बाद में, और ये हो गया मेरा लुक। तो ये हो गई मैं आपकी भाभी रेडी मेरे सिंपल सादे लुक के साथ। सो बताएं कैसा लगा आप लोगों को मेरा मेकअप, देखिए आप लोगों ने फरमाइश की थी। वैसे मैं आंखों के नीचे जल्दी लगाती नहीं हूँ काजल वगैरह, कुछ भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि नहीं अच्छा लगता मुझे, ऐवे ही नहीं लगाती, ऐसा कोई बात नहीं है, पर आप लोगों के लिए चलो थोड़ा सा लगा के दिखा दे रही हूँ। पकड़ो जाना ज़रा, ये बहुत बोर हो रहे हैं, इनका मुंह देख के लग रहा है ये सीख रहे हैं ना, अभी देखना मेकअप मैन बनेंगे ये मुझे देख के, ये लगाएंगे लोगों को। तो हाँ ये है मेरा लुक, आप चाहें तो आप इसके ऊपर जो स्प्रे करते हैं मेकअप फिक्सर लगा सकते हो। मैं तो कहती हूँ कुछ मत लगाओ, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं लगाती, मैं तो ऐसी रखती हूँ, मेरा दूसरे दिन तक रह जाता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा आप बताएं जानू, मैं पहले देखो कैसी थी, मैं आप कैसी हो गई, तो आप देख सकते हैं ये मेरा लुक है, तो देखिए और सीखिए मेरे हिस्से का मेकअप, देखिए और सीखिए कैसा लगा मेकअप, और भूलिएगा नहीं मैंने क्या लगाया क्या नहीं, स्टेप बाय स्टेप लगाइएगा, ऐसा ना हो कि पहले कुछ और लगा दे बाद में कुछ और, अगर कुछ भूल भी जाओ तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ये रिप्लाई कर दो। तो चलते हैं फिर, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने ये चीज़ की डिमांड की थी कि मैं शेयर करूं कि मैं कैसे क्या करती हूँ, ये तो वीडियो बनाने के चक्कर में इस मेकअप को आधा घंटा लगा है, वरना ये 10 मिनट वाला मेकअप है, उससे भी कम का, झटापट एकदम फटफट फटफट हो जाता है, आपको ज़्यादा कुछ अप्लाई करना नहीं होता, ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, बस मैं तो ऐसा लेती हूँ, ये बोलते ना कहीं जाना है आधे घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, एकदम आधे घंटे बाद मुझे एकदम ऐसा कपड़े में रेडी मिलना, तो 10 मिनट में ही मेकअप लगाती हूँ, 10 मिनट में कपड़ा पड़ा स्ट्री मार के पहन के 10 मिनट में बच्चे को तैयार करके आधा घंटा खा जाती हूँ मैं, खाली इनका सामान छोड़ देती हूँ, इनके कपड़े वपड़े नहीं निकालती, क्योंकि भाई मैं निकालती हूँ तो इनको कुछ पसंद आता है कुछ नहीं, बोलते ये मुझे नहीं पहनना, ये नहीं मेरे को वो चीज़, ऐसे बहुत नाटक करते बाबा, तो इसीलिए इनका छोड़ आके उसमें भी शिकायत होती है, अपना तैयार हो गई, बच्चे को भी तैयार कर दिया, मेरा नहीं निकाले, हाँ ये डायलॉग होती है, मेरा नहीं निकाले, बोलती भाई आपकी पसंद मुझे नहीं मालूम, आपको कब क्या पहनना है आप निकालो मैं इस्त्री कर दूंगी, फिर ये इनको तैयार होने को 2 घंटा लगता है, बहुत टाइम लेते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, मतलब कौन बोलता है कि आदमी लोग टाइम नहीं लेते तैयार होने में, ये तो बहुत लेते हैं, ऐसे बाल संवारेंगे, दाढ़ी बनाएंगे, फिर आंख धोकर आएंगे, फिर कपड़ा पहनेंगे आराम आराम से, जूता पहनेंगे, मोजा ढूंढेंगे, अरे अल्लाह अल्लाह बाप रे, फिर सन क्रीम लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ऐसे मुझे तो नहीं मालूम, खैर छोड़ो मेरा लुक देखो, याद रखना ये झटपट वाला ये मेकअप है ना, आप किसी के घर पे हो, बाहर कहीं घूमने हो, कहीं भी हो जा सकते हो लगा के, शादी में भी लगा सकते हो, लाइट सिंपल मेकअप है, बट अगर शादी वाला मेकअप चाहिए तो वो आई मेकअप मैं अलग करती हूँ, ये तो मेरा नॉर्मली मेकअप है, ये मेरे मूड पे डिपेंडेड है, ये तो मेरा, मैं तो इससे भी कम लगाती हूँ, इतनी चीज़ें भी नहीं लगाती जल्दी, मैं ब्लशर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, खाली बस अपने नाक मुँह थोड़े लाल करके लिपस्टिक लगा के लाइनर लगा लेती हूँ, आईब्रो बना लेती हूँ, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंसीलर डायरेक्ट यूज़ करती हूँ मैं, चेहरे पर जल्दी कोई क्रीम नहीं लगाती, कुछ भी नहीं लगाती हूँ यार, सादा लुक, नो ज़्यादा मेकअप, नो ज़्यादा खर्चा, नो ज़्यादा टाइम ऑल्सो, है कि नहीं जानू कुछ yes, बोलो दस, सही बोली आपने, थोड़ा इतरा हूं ना मैं ऐसे ये माइक पकड़ने को जान पाता यार, इसलिए जमता नहीं है वो, अच्छा रहता है उसको, कैसे लग रही, अच्छी लग रही, ये तो अभी कमेंट मारना पड़ेगा कैसे अच्छे लगे नहीं लगे, हाँ ये आप लोग बताइएगा मुझे, जरूर बताइएगा, ठीक है बताना नहीं भूलना, चलो फिर हाँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके, करो और फॉलो करना नहीं भूलना इंस्टाग्राम पर, बाय, अल्लाह हाफिज़।